भाजपा को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के 35 दिग्गज नेता भाजपाइयों में मची खलबली। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक का रण जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है और वह दक्षिण के राज्यों में पैठ बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सोमवार को तेलंगाना के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। पार्टी बदलने की इस रस्म अदायगी से सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी साल में बीआरएस के कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जानकारी के मुताबिक 35 बीआरएस नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आपको बता दें, सोमवार को पूर्व सांसद पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव के साथ अन्य नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का हाथ थामा। इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के तेलंगाना प्रभारी माणिक राव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी मौजूद थे। मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित AICC कार्यालय में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी की। वहीं सामने आया कि तेलंगाना में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राहुल गांधी 2 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव सहित कम से कम 35 बीआरएस नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी। इसी के तहत इन नेताओं ने सोमवार को यहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। इसके बाद जुलाई की शुरुआत में ही तेलंगाना के खम्मम में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन होना है, जहां ये सभी नेता औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें, पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पिछले लोकसभा चुनाव में खम्मम से बीआरएस सांसद थे। वहीं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि कई वरिष्ठ नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम बीआरएस को हराने के लिए कुछ भी करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि कैसे बीआरएस 4 करोड़ नागरिकों को धोखा देने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस यह दिखाने की कोशिश में था कि वे बीजेपी के साथ नहीं है, जबकि वह बीजेपी के साथ है। बीआरएस का गठबंधन फेविकोल गोद की तरह है।